समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिवस पर गुरुवार को जनपद हापुड़ की तीनों तहसीलों हापुड़, थोलाना और गढ़मुक्तेश्वर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। सपाई साइकिल यात्रा से प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। साइकिल यात्रा का आह्वान सपा प्रदेश हाईकमान ने किया था। सपा के जिला कार्यालय पर हापुड़ में सपाई अपनी अपनी साइकिल लेकर इकट्ठा हुए। सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध बढ़े हैं, महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। वहीं धोलाना तहसील पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष किशन सिंह तोमर ने भी सरकार की नीतियों को कोसा। देश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी, प्रदेश और देश में फैलती बेरोजगारी और काले कृषि कानून, कानून व्यवस्था का बिल्कुल ध्वस्तीकरण और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब को बदले की कार्रवाई से, बदले की भावना कार्रवाई से लगातार उत्पीड़न के विरोध में आज हम लोगों का ये साइकिल यात्रा एक सिंबॉलिक था। पार्टी का निर्देश था कि 10 से 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके अपना विरोध प्रदर्शन करें। सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने झंडा दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। ये रैली बुलंदशहर रोड, चैनापुरी, पटना, जरोठी रोड, असोड़ा होते हुए पार्टी दफ्तर पर समाप्त हुई। साइकिल यात्रा में सपा के वरिष्ठ नेता संजय गर्ग, अनिल आजाद, पुरुषोत्तम वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।